दैट के साथ प्रॉब्लम है कि नाउन क्लोज में भी यूज होता है, मालूम है ना। यस सर। फिलहाल में हम इसको एज ए रिलेटिव प्रोनाउन समझ रहे हैं। लेट मी टेल यू कि जब आप दैट यूज करोगे तो दैट हैज टू फंक्शंस, फंक्शन इन द सेंस लाइक, मतलब ये डूअर की तरह भी काम करने वाला है और यही आपका रिसीवर की तरह भी काम करेगा। याद करो, रिकॉर्डिंग। या इट इज, इट इज, इट इज। जैसे जब आप हु यूज करते थे तो आई टोल्ड यू दैट हु इज फॉर डूअर एंड हुम इज फॉर रिसीवर, इफ यू रिमेंबर, राइट? बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ दैट, दैट अलोन स्टैंड्स फॉर दिस टू थिंग्स, डूअर एज वेल एज रिसीवर। कैसे और क्यों, ऐसे देखते। लेट्स से कि इसके बहुत सारे सिचुएशंस है कि अगर मैं कहता हूँ कि सोनू जो रोज पार्क जाता था वो आज नहीं गया, देन आई विल ट्रांसलेट सोनू हु वेंट टू पार्क डेली डिडंट गो टुडे, आज नहीं गया। सो हु वेंट टू पार्क डेली, दिस इज माई एडजेक्टिव क्लॉज, आई एम टॉकिंग अबाउट सोनू एंड हेयर डूअर ऑफ गोइंग टू पार्क इज सोनू, दैट्स द रीजन वी हैव यूज्ड हु। इफ आई से लेट्स से कि जो डॉग रोज भौंकता था वो आज नहीं भौंक रहा है, सो हम कहेंगे कि द डॉग विच बार्क डेली इज नॉट बार्किंग। सो विच से हमने उठाया, विच से लेकर यहाँ तक हमारा एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। विच क्यों लगाया, क्योंकि एनिमल है, राइट? क्लियर है? यस सर। अब रूल कहता है कि आपने देखा कि इंसान था तो क्या लगाया हमने, हु लगाया, और जानवर था तो हमने विच लगाया। अब है कि अगर ह्यूमन बीइंग और साथ में कोई एनिमल आ गया, या ह्यूमन बीइंग और साथ में कोई नॉन लिविंग आ गया, तब हम दैट लगाएंगे। यहाँ पे दैट लगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का तो हु होता है और एनिमल और नॉन लिविंग का विच होता है, तो हु और विच जब दोनों की संभावना आ जाए तो हम एक उठा लेंगे, दैट उठा लेंगे। जैसे सोनू और उसका डॉग जो रोज पार्क जाते थे आज नहीं। अब सोचो क्या होगा, तो यहाँ पर सोनू एक इंसान है, कुत्ता एक जानवर है, तो इस वजह से यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है हमने दैट लगा दिया, दैट वेंट टू पार्क। सर, साइट मीट यू हैव रिटन टुडे इन अमेरिकन इंग्लिश। क्या चीज अमेरिकन में लिखते हैं सर? टुडे, सो यू द स्पेलिंग ऑफ टुडे। अच्छा, टुडे, एक मिनट, टाइपिंग एरर, टाइपिंग एरर, थैंक यू। कई बार अर्थ का अनर्थ भी लिखा जाता है तो आप लोग बता दिया करो, और कई बार तो बच्चे बता भी नहीं पाते, लिखा इतना गलत होता है कि कहीं नहीं पढ़ ही नहीं पाते, कहते छोड़ो यार क्या है, ऐसा भी। खैर गाइस, कोई नहीं, टाइपिंग तो सुधर जाएगी। यहाँ देखिए, ये दैट, समझ में आया? दैट वेंट टू पार्क डेली डिडंट गो टुडे। तो सोनू और इस कुत्ते की वजह से ऐसा हुआ है। अकेला सोनू होता तो क्या होता? हाँ, तो हो लगता ना, हो लगता। अकेला डॉग होता,
लगता। तो कभी आपके पास अगर ऐसी नौबत आ जाए, जैसे कि मैं बोलूं कि यार मेरा बेटा और उसका लैपटॉप है ना, बेटा इंसान है लैपटॉप तो कुछ ऐसा सेंटेंस आप सोच सकते हो? जरा सोचो कैसे आम जिंदगी में यूज करने लायक, कुछ सोचो, सोच कर देखो। मैं और मेरी बिल्ली कमरे में थे। मैं और मेरी बिल्ली जो उस दिन कमरे में थे, कुछ ऐसा बोलो ना कि उसमें एडजेक्टिव क्लॉज कुछ लगे। ओके। मैं और मेरी बिल्ली जो उस दिन कमरे में थे आज पाग गए। हाँ, ये भी हो सकता है। आज पाग कैसे हो गए? मैं और मेरी बिल्ली, my cat and I that were in the room go to park today, went to park to so that were in the room। अच्छा, फिर कुछ लोग सोचेंगे कि आइला दैट के साथ वर, ये तो वाज लगेगा, तो आपको पता है ना क्यों लग रहा है? प्लूरल के साथ है ना, प्लूरल यहाँ पर दो आइटम है, दो सब्जेक्ट, दो आइटम है। एक्चुअली होता है क्या है, लोगों को बचपन से दैट इज दैट वाज करने की आदत है ना, तो वो दैट के साथ ना तो आर बर्दाश्त कर सकते हैं ना वर बर्दाश्त कर सकते, उनको बर्दाश्त ही नहीं होगा, गले से नहीं उतरेगा। बचपन से उन्होंने दैट को सिंगुलर समझा है, तो ये वो दैट नहीं है, ये दैट मतलब ऐसा नहीं कि दैट गर्ल दैट बॉय नहीं है, ये दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इस दैट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसके साथ वर लगेगा या वाज लगेगा या फैसला दैट नहीं कर सकता, इसका एंटीसीडेंट करेगा। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ठीक है, वो अच्छा लगे या ना लगे ये तो कुछ भी नहीं, आपको मैं एक ऐसा सेंटेंस लिखूंगा जो आपको गले से क्या जीभ पे नहीं रख पाओगे। सेंटेंस बोलो सर। ऐसा हो सकता है मैं और मेरा पेन जो मुझे फ्रेंड ने दिया था वो मुझे टूट गया। अच्छा, मुझसे टूट गया। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, बस करण नहीं बोलेगा, ठीक है? करण कैन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एनी टाइम, जो ज्यादा ग्रामर पढ़ता है उसको सब पता होता है। तो एक सेंटेंस लिखता हूँ कि सर ये क्या होगा, लेट द कैट मुहावरा है ना? हाँ। इसका मतलब बताना है, इसका मतलब क्या है? सर ये मैं हूँ जो तुम्हें मिस कर रहा है। वो मैं ही हूँ जो तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब मैं बस कहता हूँ सेंटेंस सही है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है? It is I. अब मैंने कह दिया तो आप इसमें दिक्कत ढूंढ रहे होंगे, हो सकता है सही हो, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। Sir, I am who? Okay, sir. It is I who is. No, sir. It's correct. अरे भाई ज़्यादा दिमाग चलेगा। सही है कि नहीं? आप लोग ऐसे चलेगा ना? अरे सही है, क्या गलत है? It is I who is missing. It is I who is. तू ज़्यादा दिमाग लगा रहे। ये तो वही हो गया कि गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि लोग इतना एरर ढूंढते हैं कि नो एरर भी नहीं पहचान पाते, यू नो? यस सर। एक नो एरर का भी ऑप्शन होता है ना? यस सर। तो वही हो सकता है, इसमें एरर ना हो। ठीक है सर। हियर इज यूज्ड फॉर रिलेटिव। अब मैं यहां पर बता दूं, कोई नहीं प्रशांत को तो रिलेटिव प्रोनाउन प्रशांत फॉर आई व्हिच इज सिंगुलर। अब आपको गाइस मैं आपको इतना समझा दूं कि आप जुबान पे नहीं रख पाओगे कि इसकी जगह एम होगा यहां पर। रियली सर? जी बोल सकते हो, ऐसे इंग्लिश बोलोगे आप? ये करेक्ट है। इट्स आई बोल पाओगे? जरा बोल के दिखा दो, लोग हंस के भाग जाएंगे। यस सर, आई हैव इट सेम यहां पे ना। आई थॉट दैट दैट इज राइट। आई हु एम मिसिंग यू। ये है करेक्ट। सोचो सर, इन स्पीकिंग वी सेड इज वही तो। यस सर, वी से इज कॉमन। तो इट इज आई हु एम मिसिंग यू। ये आपको लगा कि आइला ऐसा कैसे? नहीं, ये देखने से पहले या खुदा, समझ रहे हो? ये वाली फीलिंग आएगी। सर इज दिस हो वर्किंग हियर एज अ कंजंक्शन? इट इज आई हु है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन ही, हु तो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये हु अपने साथ क्या लेगा, ये फैसला ये करेगा, इधर आई करेगा। यस आई करेगा, समझ रहे हो?
तो इजीली ले सकते हैं, बट हमें बोलने में क्या लगता है, हमें बोलने में ये वाला अच्छा लगता है ना? यस सर. And so it's the same question got asked by SSC in 2018. बहुत लोग फंसते हैं क्योंकि लोगों को आदत नहीं, वो लोगों को लोग जाते हैं कि अच्छा लगने पे जाते हैं. Yes, कैसे तुरंत पिज्जा खरीद लेते हैं कि अच्छा लग रहा है जुबान को, जबकि तो सेहत के लिए खराब है ना. Yes, sir. Some people can't digest even it is I, so they always like, you know, because of being used to. वो it's me बोलते हैं, it is I भी digest नहीं होता उनसे. तो ये है और देखते हैं. तो मैं बोलता हूँ कि एक सेंटेंस है, आई आई एज वेल एज राम इज प्लेइंग. सर यहाँ पे आर लगेगा जो पहले लग रहा था. हाँ तो कहीं कुछ जो भी गलती इसमें है बता दीजिए, अब जरूर नहीं कि एकदम एक ही जैसी गलती हो. मैं एक सेंटेंस लिखा, हम एज वेल एज आर लगेगा राम एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर प्लेइंग सर है ना. तो आखिर आर आएगा ना कि आई दोनों है ना, दो पहले राम आर प्लेइंग I as well as M. 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 Ram or M aayega maybe sir. M aayega sir. I as well as Ram. अब दिमाग खुल रहा है कि आप हर जगह से फेल हो गए, जबकि हकीकत है I as well as Ram M. Playing. बर्दाश्त होगा? हो रहा है बर्दाश्त? Digest होगा? नहीं हो सकता ना? I as well as Ram M. बंदा पागल क्या आईला राम एम, ये क्या हो रहा है? आई को देख के यहाँ पे एम लग रहा है ना, आई को देख के लग रहा है. वो लोग कितने लोग देख पाएंगे सोचो. ये है प्योर ग्रामर. And so we need to without any reason. मतलब ये तो कुछ नहीं है. आपको पता है कि अगर आप ऐसे बोलोगे ना फैमिली मेंबर, आपको पता नहीं ये गलत है. तो ग्रामर में अगर मैं गलतियां ढूंढने लगू तो लोग मतलब बोलना छोड़ देंगे, इसलिए कुछ माफ होता है कि चल छोड़ना. जैसे किसी ने बोला कि यू नो किसी ने बोला लेडी टीचर, यू नो किसी ने बोला इंग्लिश टीचर, ये सारी चीजों को गलत माना जाता है. ये सब चीजें गलत. लेडी टीचर की जगह वुमेन टीचर होता है. लेडी टीचर को रॉन्ग माना जाता है, इसकी जगह होता है वुमेन टीचर. सो करेक्ट. सर फीमेल टीचर होगा ना यहाँ पे? फीमेल टीचर भी, फीमेल टीचर भी नहीं, फीमेल टीचर भी नहीं, यहाँ पर वुमेन टीचर. और इंग्लिश टीचर को हमें कहना पड़ेगा टीचर ऑफ इंग्लिश. तो सोचो बहुत सारी चीजें हैं, दिस इज रॉन्ग. ये इंग्लिश टीचर तो बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं. हाँ, तो इसीलिए मैं किसी को नहीं टोकता हूँ. जैसे वो है ना कि हाय हाय माय सेल्फ रमेश, बट सर इट्स एक्चुअली रॉन्ग सर. यू शुड क्या कह रहे हैं, रॉन्ग लिख दिया मैंने. नो नो सर, सर माय सेल्फ इज एक्सट्रीमली गुड, सो आई थिंक एवरीवन वाज अबाउट इट दीस डेज. ये महागलत इंग्लिश है, महागलत इंग्लिश है माय सेल्फ रमेश. अच्छा हमेशा उन फिल्मों में दिखाया जाएगा जहाँ पर ऐसे बंदे को दिखाया जाएगा जो इंग्लिश के साथ स्ट्रगल कर रहा है. वो चाहे वो लॉयर हो कुछ भी हो, जब उसको दिखाया जाएगा हाय माय सेल्फ मोहन एंड यू ओ माय सेल्फ, इसको गलत माना जाता है. ग्रामर कहता है कि माय सेल्फ सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता ना. माय सेल्फ रमेश क्या है? आई एम रमेश बोलो, दिस इज रमेश चलेगा. तो ये सब गलतियाँ बहुत हैं. खैर छोड़ो, बैक टू पवेलियन, वापिस आते हैं. सर उसका हिंदी क्या होगा? I as well as Ram am playing. हाँ ये जो है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं साथ ही साथ राम खेल रहे हैं. तो खेल रहे हैं. हाँ तो रूल कहता है कि हमें इसको देखना है, पहला जो सब्जेक्ट है उसको देखकर हमें यहाँ पर वर्ब लगाना है. सर व्हाट इफ राम एज वेल एज आई, तो जब भी एम डालना है या इस डालेंगे ना? राम एज वेल
एज आई इज, देखो कितना मजा आ रहा है, राम एज वेल एज आई इज प्लेइंग, कोई सोच भी सकता है? एंड व्हाट इफ सर एज वेल एज इंस्टेड ऑफ यू राम एंड आई, तो राम एंड आई फिर दो लोग होगा, फिर तो आपको ऐसे करना होगा, आर करना होगा, राम एंड आई आर पी, देखो आई के साथ आर भी लग रहा है, आई के साथ इज भी लग रहा है, कितना मजेदार है। तो लोग ऐसे सोचते हैं, कैसे वो पहले लोग गलत बोलते थे ना, कि वैसे बोलते थे वन ऑफ माय, पहले तो बोलते थे वन ऑफ माय फ्रेंड, वो तो फ्रेंड्स तक भी नहीं बोलते थे, वन ऑफ माय फ्रेंड इज गोइंग, तो ऐसे भी उनका गलत था, ऐसे भी रॉन्ग था, फिर धीरे धीरे वो ये सीख गए कि चलो यार वन ऑफ माय फ्रेंड्स होता है, अब फ्रेंड्स के बगल में आर लगाने लगे तो भी गलत हो गया, फिर उनको धीरे धीरे ज्ञान हुआ है, पहले पत्थर से आग जलाया था, अब जाकर के ज्ञान हुआ है, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज गोइंग। यस सर, यू हैव टॉट अस इन 11 AM बैच। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, और मैं तो कभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वाला कोर्स पढ़ाता ही नहीं हूँ, जानबूझ के नहीं पढ़ाता हूँ, कि कौन उतने पंगे में पड़ेगा, ये गलत वो सही, फिर बंदा कहेगा कि क्या सही है, फिर सारा ही गलत है। चलिए वापस आइए, तो हम कहाँ थे, हम दैट पर थे। तो बताइए कि मोनिका और उसकी बकरी, आपको जानवर मिल नहीं रहा, मैं क्या करूँ मोनिका मोनिका और उसकी, मोनिका कोई बुरा ना लग जाए किसी को, तो मोनिका और उसकी बकरी जो बहुत गुड लुकिंग है, ठीक है गुड लुकिंग है, आज मुझसे बात, आज 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 इस पार्क में नहीं आए, आज इस पार्क में नहीं आए हैं, लेट्स से नहीं आए, मोनिका एंड हर गुड तो यहाँ पर देखो दैट आर सो गुड लुकिंग, बन गया हमारा क्लॉज। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसके ऊपर मैं एक सबूत भी लाया हूँ, ऐसे कुछ बच्चों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि नहीं नहीं सब झूठ है, ऐसा थोड़ी था, दैट थोड़ी होगा, उनके लिए सबूत भी ढूंढा है मैंने। नो सर, सर देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या वस्तु के लिए हो तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे लिखा है कि द मैन एंड हिज डॉग, यहाँ भी देखो एक आदमी है और उसका कुत्ता है, दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, और यहाँ पर दैट जो है ये रिसीवर वाली फीलिंग दे रहा है, देख रहे हो यहाँ सब्जेक्ट लगा है करण बाबू, यस सर, है ना, तो देखो यहाँ होम का भी काम दैट कर रहा है और हु का काम भी दैट करेगा, तो सबूत मिला कुछ, देखो मैं एंटीसीडेंट बोलता हूँ, यहाँ भी लिखा है ना एंटीसीडेंट, जी सो सो व्हाई आर यू सो स्केप्टिकल ऑफ योरसेल्फ, आई डोंट थिंक सो दैट देयर वाज एनी नीड टू शो एनी प्रूफ, नहीं ऐसे मन में आया कि यार कुछ लोगों को नहीं लग रहा होगा दैट, ये क्या मजा है दैट, कैसे लग जाए दैट भी लगता है। चलिए और भी तो बहुत सारे पॉइंट्स, अभी हाई फाई लोग तो बहुत अच्छा बोलते हैं, कैसे दिखाता हूँ, तो जानवर और इंसान वाला तो हो गया, या समान या इंसान वाला, अब इसका जो सेकंड पॉइंट है गाइस, यहाँ पर क्या होता है, और ये तो मैं भी यूज़ करता हूँ, बहुत यूज़ है, जैसे कभी एवरीथिंग बोलना हो, एवरीथिंग नथिंग समथिंग ऑल द सेम, वैसे तो बहुत लिस्ट है, आप लिटिल भी लगा सकते हो, बट अभी मैं ये मेन मेन जो मार्केट में चलते हैं अच्छे खासे, इनके साथ आपको दैट लगाना है, इनके साथ दैट का यूज करना है, करना है,
जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं, तो मैंने कहा कि आई हैव नथिंग, अब मैं यहाँ दैट लगाऊंगा, आई हैव नथिंग दैट आई कैन गिव यू। अब मैंने दैट लगाया क्योंकि मुझे रूल पता है, अब जिसको नहीं पता वो अधिक से अधिक विच लगाएगा, यही करेगा ना, मुझे लगता है विच लगाएगा कि आई हैव नथिंग विच आई कैन गिव यू। तो यहाँ पर आप दैट बोलो क्योंकि बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी दैट बोलते हैं, वो ग्रामर पढ़ते नहीं पढ़ते पता नहीं, बट अंग्रेजी तो ठीक बोलते हो, उनकी अंग्रेजी मैंने खूब जांचा परखा है, बहुत अच्छा बोलते हो। So where do they learn English from? So how does every Bollywood star speaks fluent English? जिस दिन मैं किसी ऐसे बॉलीवुड स्टार से मिलूंगा ना जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी, से करण जौहर से कोई मुलाकात हो जाए, ऋतिक रोशन, तो मैं इनसे जरूर पूछूंगा ये, जैसे अभी मैं एहसान कुरैशी जी से मिला, ये हमारी तरह से गांव से आया है ना, मध्य प्रदेश एमपी से आए हुए लोग हैं, तो इनको इंग्लिश नहीं आती है, अपना नॉर्मल खुश है, दे रीड अ लॉट आई थिंक सर। हाँ, लेकिन जो वाकई अंग्रेजी बोलते हैं, अब जैसे मैं नवाजुद्दीन से बोलूंगा तो मैं उससे थोड़ी पूछूंगा उसको इंग्लिश कहाँ आती है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इंग्लिश नहीं आती, कंगना ने अभी सीखा है मतलब, लेकिन जो इसी मैदान में पैदा हुए करण जौहर यू नो या काजल, हाँ जिनके माँ बाप भी एक्टर थे, सोचो उनके बच्चे मस्त इंग्लिश बोलते हैं, अनिल कपूर, पूजा भट्ट, शी स्पीक्स रियली वेल सर, पूजा भट्ट सब मस्त इंग्लिश बोलते हैं, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं सर, गजब इंग्लिश है अमिताभ बच्चन। तो इनसे कभी मुलाकात हो तो ये मैं सवाल जरूर पूछूंगा। Yes. So, Kangana also speaks English really well. Kangana ने भी सीखा है, पहले उसे नहीं आती थी, तो वो भी एक चमत्कार है कि सीख लिया, बेहतरीन कर लिया। Yes, sir. तो I have nothing that I can give you. जैसे कि हर वो चीज जो मेरे पास है वो तेरा ही तो है बेटा। तो देखो that I have, इतना जो है ये ही मेरा छोटा सा क्लॉज बना, ये है ना क्लॉज, और क्या ये तो प्रिंसिपल हो गया ना, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, दैट आई, ठीक है। द सेम में आप लोग फंस जाओगे, द सेम में आपका मन नहीं मानेगा, गले से नहीं उतरेगा, दिस इज द सेम गर्ल, जैसे गर्ल बोलोगे मन क्या करेगा, हु लगाने का करेगा ना, गर्ल है, तो अब है कि भाई गर्ल के लिए तो हु लगता है, लेकिन अगर गर्ल से पहले ये द सेम आ गया, सिर्फ ये द सेम आ गया, तो फिर मामला बदल जाएगा। तो यहाँ पे दिल करता है हो लगाने के लिए ना, द सेम के लिए। हाँ, दिल करेगा। अब कोई लगा भी देगा तो कौन सा पेपर देने जा रहा है, वो इंग्लिश में तो बोले ना, बट यहाँ पे तो दैट ही बोले, जो नथिंग वथिंग है ना, हाँ इसमें तो परफेक्ट बैठा, यहाँ आप वही बोलो, रिकॉर्ड हुआ आइला। सर जैसे एवरी में और भी फैमिली होती है, एवरी वन एवरीवेयर, तो उसमें भी लगा सकते हैं, उसमें ऑप्शनल है, वन वगैरह जो इंसानों के लिए है ना उसमें है कि उसमें आप हु भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, लेकिन ये जो थिंग वाला है ना, नथिंग समथिंग, ये तो पक्का दैट ही मांगता है। हाँ, इसमें तो दैट लगता है, जैसे ये ऑल है, तो एक एग्जाम्पल तो बहुत इसका फेमस है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स, सुना होगा, तो ये all के बगल में देखो that आया, which क्यों नहीं आया, all which glitters, तो all के बगल में that आता है, relative pronoun पे, देखते हैं इस पे भी कोई सबूत लाता हूँ, ढूंढ कर लाता हूँ, yes sir, all इसमें एक है कि ऑल का प्रयोग अगर वस्तु के लिए हो तो इसके बाद दैट का प्रयोग होता है, हु, हुम या विच नहीं होता, इसे ऑल दैट, यहाँ भी वो एग्जांपल, ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ विच नहीं लगा सकते, जैसे यहाँ पर है ऑल के साथ अगर कोई सिंगुलर काउंटिंग नाउन आ जाए, जैसे कि ऑल द मनी, यू नो, तो ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज स्पेंट, सारा का सारा पैसा जो मैंने उसे दिया, खर्च किया,
तो ऑल द मनी विच लगाने को मना किया, स्पोकन में लोग लगा देते अलग बात है, नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑल के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है तब भी दैट लगा दो, जैसे ऑल द पेन्स दैट आई गेव हिम आर न्यू, सारे के सारे पेन्स जो मैंने उसे दिए नए हैं। तो अब मुझे बोलना है ऑल द मिल्क, तो ऑल द मिल्क विच या दैट, दैट सो दैट है ना, दैट मैं कहता हूँ ऑल द बुक्स दैट या विच, दैट। ये लेकिन अभी तो अभी इंसान के लिए कुछ भी नहीं था ना, वस्तु के लिए था या ऐसे था, लेकिन अगर इंसान के लिए है तो उसमें थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई है, एक रूल यहाँ इंसान वाला भी होगा कहीं, देखो पर इतना कोई मानता नहीं, जैसे ऑल का प्रयोग अगर व्यक्ति के लिए हो तो इसके बाद आप हु भी लगा सकते हो और दैट भी लगा सकते हो, देख रहे हो, हु और दैट का प्रयोग होता है, हुम नहीं चलेगा, विच नहीं चलेगा। जब अब फिर फंस गया ना बंदा कि जब हुम नहीं चलेगा तो जब मुझे क्या याद है ना रिसीवर दिखाना होगा तो क्या करेंगे, फंस गया, अब हुम लगा नहीं सकते, विच लगा नहीं सकते, फिर दैट ही लगाना पड़ेगा। इसीलिए लोगों ने ऑल को दैट के साथ मान लिया कि छोड़ ना यार, इंसान हो जानवर हो सब ऑल आएगा तो मैं दैट ही लगा दूंगा, ये मान लिया। यहाँ पर लिखा है ना कि ऑल हु या दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन डू इट, अगर ये इंसानों के लिए है तो हु भी चल रहा है दैट भी चल रहा है, लेकिन हुम नहीं चलेगा विच नहीं चलेगा। तो इतना जानने से अच्छा है कि जितने भी ऑल हैं उसके साथ क्या समझना है आपको, दैट, जितने भी ऑल आ जाए, यहाँ देख रहे हो ना चाहे काउंटेबल हो अनकाउंटेबल दैट ही लग रहा है ना, सिर्फ इंसान के लिए दो ऑप्शन दिए थे उसमें भी कंडीशन अप्लाई कर दिया कि हुम भी नहीं लगा सकते हो, तो हुम नहीं लगाओगे तो अल्टीमेटली क्या लगाओगे, जो हुम वाली फीलिंग आएगी तो फिर दैट लगाना पड़ेगा ना, इसलिए सब में दैट लगा। तो अब दैट पर कुछ बना के दिखाइए, तो जैसे ऑल पे कुछ बना के दिखाइए तो अपने मन से हो जाए, थोड़ा सोचिए। सो ऑल दैट यू हैव टॉट अस till now is really useful for us to be able to speak fluent English and advanced sort of English. जैसे मैं बोलूँ कि all the girls, अब girls बोलने से तो हमें who करने का मन करेगा ना, तो हमें who allowed है, लेकिन हम that भी लगा सकते हैं। All the girls जो यहाँ आती है, तो all the girls who come here भी हो सकता है, और all the girls that come here भी हो सकता है। All that we are learning one day will be fruitful for us. Tighten the nose, eh? Tighten the nose. अच्छा है वो नाक में नकेल कसना, ये तो दिमाग में रह के वही है। Fine. तो सारी की सारी ग्रामर की किताबें जो तुम यूज कर रहे हो वो महंगी है। तो समझ गए, ऑल वाला भी समझ गए। उसके बाद एक पॉइंट आता है सर, ये जो आपने गर्ल वाला बोला ना अभी ह्यूमन के लिए, तो इसमें दैट कैसे लगेगा, जैसे किसी ने बोला कि ऑल द गर्ल्स, अब मुझे गर्ल्स को डूअर बनाना है, तो हम तो डूअर के लिए तो ज्यादातर हु लगाते हैं ना, इंसानों के लिए हु ही लगाते हैं, लेकिन उस ऑल के चक्कर में हम फंस गए कि अब क्या लगे, तो ग्रामर कहता है कि ऑल द गर्ल्स आप चाहो तो दैट भी लगा सकते हो। अच्छा, ऑल की वजह से हमें दैट लगाना पड़ेगा, तो कुछ समझ में ना आए तो दैट लगा दो, नहीं तो हु लगा दो, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब चलेगा। लेकिन एक जगह जब आता है सुपरलेटिव डिग्री का नाम सुना है? यस सर, यस सर, द बेस्ट, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द मोस्ट, द बिगेस्ट, द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, द स्मॉलेस्ट। अब
रोजा बताया कि हाईएस्ट है स्मॉलेस्ट द हाईएस्ट. अब देखिए तो अगर मुझे बोलना है कि शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, अब यहाँ पर जब ये आ जाए, अब ये गर्ल है, देखो लड़की है, इंसान है ना, लेकिन तब भी अगर मुझे रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो मैं दैट लगाऊंगा. ऐसा ग्रामर कहता है कि शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल दैट आई लव. चल ऐसा कर जो मार खा रहा है, जिसको पीटा जा रहा है, इस पे भी कहीं कुछ होगा, मैं दिखाता हूँ आपको. काला काला अक्षर पेंस बराबर सुपर लिटिव के बाद डेट का प्रयोग होता है. होता है हु विच का नहीं. अब साफ मना, ग्रामर मना कर रहा है कि इन तीनों को नहीं लगाना है. जैसे कि लिखा है मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई नो, तो ये होम वाली फीलिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है. देखो तो दैट आई नो, यहाँ यहाँ देखो सब्जेक्ट लगे जिनको मैं जानता हूँ. यस सर. और हमने बोला द मोस्ट लेबोरियस, द मोस्ट सुपरलेटिव है ना. और अगर मैं यहाँ पर होम लगा दूँ, जैसे इंसान हमने सिखा था ना, रिसीवर आएगा तो होम लगाएंगे, सिखा है याद करो. यस सर. तो इस होम को गलत माना गया सिर्फ इस सुपरलेटिव की वजह से. तो ये है प्योर ग्रामर. अब कोई ना माने कुछ भी बोले, कौन काटेगा. ये सीन है जी. सर इसको अगर पैसे में बोलेंगे तो कैसे दैट लगेगा. दैट वाज, दैट इज नोन बाय मी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना. जैसे मैं बोलूं कि लेट्स से कि सुनीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल जिसको प्रपोज किया गया, तो दैट वाज प्रपोज्ड. और सुनीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल जिसको मैं पसंद करता हूँ, दैट आई लाइक, दैट आई लव, है ना. चल लव कर देते हैं और हूम दोनों. ये है कि जो दैट है ना, वो हु वाली फीलिंग भी देता है और हूम वाली फीलिंग भी देता है. लव में लगता है कुछ है, लाइफ में कुछ नहीं लगता है, हल्का लगता है. अब आज आपका रिलेटिव प्रोनाउन वैसे तो खत्म हो गया मुकम्मल. एक जो था ना कि कई बार वाई भी होता है रिलेटिव में, याद करो, वेन भी होता है, मैंने कहा था. yes, sir, yes, sir. वो चर्चा हम अब फिर कभी करेंगे, 11 बज गया है. बट ये मुकम्मल जो होना चाहिए वो खत्म हो गया, जो प्योर जो होता है रिलेटिव. आपका आज समापन खत्म हो चुका है. समाधान सर.